दिस इज अवर थर्ड वीडियो इन बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री. दिस इज माय थर्ड वीडियो. तो इन बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री वी हैव सीन पॉइंट, प्लेन एंड लाइन. अब इसी के बाद ये तीन कंसेप्ट हमने पढ़े, लाइन, पॉइंट और प्लेन. अब लाइन सेगमेंट देखते हैं. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन. ये लाइन है, दोनों तरफ हम एरो देते हैं, ये लाइन हो जाती है. लाइन नाम क्या है? लाइन सेगमेंट. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. यदि दोनों तरफ से इसको ब्रेक कर दो और इसके कोई नाम दे दो, एंड पॉइंट, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता है. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन को क्या रहता है? दोनों तरफ एरो हम देते हैं और दोनों तरफ से यदि काट दो तो दैट इज अ सेगमेंट. तो ये सेगमेंट है. इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम? यूनियन ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज अ यूनियन ऑफ सेट. पॉइंट ए, पॉइंट बी and all points between A and B. So that is the line segment. और ये segment line segment हमने निकाला यहाँ पे और इसको short में लिखते हैं seg AB. seg AB का मतलब होता है segment AB, या इसको seg BA भी लिख सकते हैं. seg BA, seg AB. लाइन सेगमेंट समझ में आया? पार्ट होता है लाइन का, लाइन का पार्ट होता है और इट इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट ए बी एंड ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी. अब लाइन सेगमेंट के बाद देखते हैं रे ए बी. रे रे व्हाट इज रे? Maybe this is also a part of a line. This is a part of line. Ray भी part of line होता है. यदि हम एक तरफ से काट दें तो this ये ray बन जाता है. या ऐसी line है, या इस तरफ से काट दे तो ये ray हो जाता है. रे ए बी ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड पी, ए बी पी, ये सभी पॉइंट जो है क्या होता है? ये रे होता है, ये रे पे आते हैं. तो रे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन. ए भी रे है, ये भी रे है. अब रे के बाद लाइन. एक रे ऐसा हो गया, मान लो ये भी है और एक रे इधर खींच दिए, यूनियन ऑफ टू अपोजिट रे, यूनियन ऑफ टू अपोजिट रे इज अ लाइन. मान लो ये वो ए है और इधर बी है तो ये लाइन हो जाती है. यूनियन ऑफ टू अपोजिट रे इज अ लाइन. लाइन हो गया. अब कांग्रुएंट सेगमेंट, कांग्रुएंट सेगमेंट देखेंगे. कांग्रुएंट सेगमेंट, दो सेगमेंट है मान लो, एक ए बी है और दूसरा सी डी है. इफ लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, सेगमेंट सी डी. इफ लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी देन बोथ सेगमेंट्स आर कांग्रुएंट. यदि दो सेगमेंट की लेंथ इक्वल हो तो उसे कांग्रुएंट सेगमेंट कहते हैं. क्या कहा मैंने? वेन द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट्स आर इक्वल देन दी सेगमेंट आर
कांग्रुएंट, तो ए बी और सी डी कांग्रुएंट, और इसको लिखा जाता है सेग ए बी कांग्रुएंट सेग सी डी, इसको ऐसा लिखा जाता है सेगमेंट ए बी कांग्रुएंट सेग सी डी, सेग ए बी कांग्रुएंट सेग सी डी। कांग्रुएंट कब होता है? जब दोनों की लेंथ सेम हो। यदि दोनों सेगमेंट की लेंथ सेम है तो उसे हम कांग्रुएंट सेगमेंट कहते हैं, और उसको सिंबॉलिकली ऐसा लिखा जाता है सेग ए बी, ये कांग्रुएंट का सिंबल है, इक्वल टू साइन और ऊपर सिमिलैरिटी का, सिमिलर का साइन। तो इस प्रकार दिस इज अ दिस वे वी कैन डिफाइन कांग्रुएंट सेगमेंट। कांग्रुएंट सेगमेंट के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रुएंट सेगमेंट, तो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी इसमें क्या है, एवरी सेगमेंट कांग्रुएंट टू इटसेल्फ, हर सेगमेंट खुद के साथ कांग्रुएंट होता है, मीन्स सेग ए बी कांग्रुएंट सेग ए बी, दोनों ईच सेगमेंट इज कांग्रुएंट टू इटसेल्फ। अब इसके बाद है सिमेट्री, सिमेट्री में क्या है, इफ सेक ए बी कांग्रुएंट सेक सी डी होगा तो भी सेक सी डी भी कांग्रुएंट सेक ए बी होता है। इफ सेक ए बी कांग्रुएंट सी डी या सेक सी डी कांग्रुएंट ए बी, दोनों बातें एक ही है, ए बी कांग्रुएंट सी डी है तो सी डी कांग्रुएंट ए बी रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज अ सिमेट्री। रिफ्लेक्सिविटी क्या है, एवरी सेगमेंट इज कांग्रुएंट टू इटसेल्फ, सेग ए बी कांग्रुएंट सेग ए बी। अब है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या है, ट्रांजिटिविटी इफ सेक ए बी कांग्रुएंट सेक सी डी एंड सेक सी डी कांग्रुएंट सेक ईएफ देन, क्या बोला मैंने, ए बी कांग्रुएंट सेक सी डी, सेक सी डी कांग्रुएंट सेक ई एफ, देन सेक ए बी कांग्रुएंट सेक ई एफ, देन सेक ए बी कांग्रुएंट सेक ई एफ। क्या है इफ, क्या है पी कांग्रुएंट क्यू, क्यू कांग्रुएंट आर, देन पी कांग्रुएंट आर, if a related to b, b related to c, then a related to c, if segment ab congruent cd, cd congruent ef, then ab congruent ef, इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, ट्रांजिटिविटी। अब इसके बाद देखेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। मान लो ये ए बी है, दिस इज अ सेगमेंट ए बी, दिस इज अवर सेगमेंट ए बी, एंड इफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है, इफ सेक ए एम कांग्रुएंट सेक एम बी, देन एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी सेग ए बी। क्या होता है, यदि एक सेगमेंट है और इन बिटवीन देर इज अ पॉइंट एम, इफ सेगमेंट ए एम कांग्रुएंट सेग एम बी, देन एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या लेंथ ए एम इक्वल टू लेंथ एम बी, देन एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम इक्वल टू एम बी होना चाहिए,
AM equal to MB ho, then AM is a midpoint of AB. This is a midpoint of segment. Now we comparison. मान लो ये भी है, ये सी डी है. यदि लेंथ बड़ी है, ए बी की लेंथ छोटी है, सी डी की कम है, तो हम बोलेंगे से ए बी लेस देन सी डी. क्या बोलेंगे हम? से ए बी लेस देन से सी डी. तो ये कंपैरिजन होता है. कंपैरिजन मीन्स व्हिच इज ग्रेटर व्हिच इज स्मॉलर. तो यहाँ पे यदि ए बी 5 सेंटीमीटर, सी डी 7 सेंटीमीटर, देन सी डी इज ग्रेटर देन ए बी. तो हम लिखते हैं सेक ए बी लेस देन सेक सी डी, या सेक सी डी ग्रेटर देन सेक ए बी. तो कंपैरिजन मीन्स टू फाइंड व्हिच सेगमेंट इज ग्रेटर और व्हिच सेगमेंट इज स्मॉलर, उसको कहते हैं हम कंपैरिजन. अब कंपैरिजन के बाद आता है परपेंडिकुलर. क्या परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट या लाइन या रे. यदि लाइन है, एक लाइन दूसरी लाइन या सेगमेंट, मान लो ए बी इज वन लाइन, सी डी इज अनदर लाइन, इफ टू लाइन्स या टू सेगमेंट्स या टू रेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या बोथ सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या बोथ रेज आर परपेंडिकुलर. तो क्या है, व्हेन इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्ट होता है दो लाइन या दो सेगमेंट, जब इंटरसेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, 90 का एंगल बनता है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस इज द परपेंडिकुलरिटी. नाउ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन ए बी. ये भी, अगर यहां ए बी भी एक पॉइंट भी है, पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड द लाइन ए बी, एंड यू आस्क व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए बी. यदि हमको पूछा कि पी का ए बी से डिस्टेंस कितना है, तो हमें यहाँ पी से परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा. परपेंडिकुलर लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए बी. ये परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ आउटसाइड पॉइंट फ्रॉम ए बी. परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा ए बी के ऊपर, और ए बी से पी तक की जितना भी परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है या लेंथ है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट. सो ये हो गए हमारे बेसिक कंसेप्ट. बचे हुए जो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री है, पॉइंट, प्लेन और लाइन के बाद, ये सारी चीजें हम पढ़े. अब इसके बाद देखेंगे प्रैक्टिस से 1.2 का पहला क्वेश्चन हमने किया है 1.1 में. क्या है, यहाँ पे भी हमको सेक डी, सेक ए बी, सेक निकालना है. सेक निकालना है मीन्स सेगमेंट की लेंथ निकालना है, लेंथ मीन्स डिस्टेंस निकालना है. लेंथ एंड डिस्टेंस आर सेम. तो हम प्रैक्टिस सेट 1.2 अगले वीडियो में देखेंगे. ये बेसिक कंसेप्ट हो गए ज्योमेट्री के. इसके बाद इसको अच्छे से पढ़ना है, और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे. अच्छा, ठीक है बच्चों.